बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की चावलों की खीर की रेसिपी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इसी तरह से सब स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे हाफ कप चावल, इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, धो लेंगे और आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। इसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। अब हम एक कढ़ाई में ले लेंगे 2 लीटर दूध, बलाई के साथ हम यूज़ करेंगे इसको, और बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने चावल ब्लेंड किए थे और इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए हल्की आंच पर हमने पकाना है ताकि चावल अच्छी तरह से पक जाए। बर्तन आपने थोड़ा नीचे से मोटा यूज़ करना ताकि खीर नीचे ना लगे। इस तरह से इसको बीच बीच में हिलाते रहना है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये परफेक्ट क्वांटिटी है इसके लिए। अब हल्की आंच पे इसको पकाते रहना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 टेबल स्पून नारियल पाउडर। तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको इसी तरह से हल्की आंच पर पकाते रहना है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ाफ़रान एसेंस, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है खीर में। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 कप खोया। बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। अब इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएँगे। इस तरह से खीर में बबल्स आना शुरू हो गया और ये थिक भी काफ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि खीर ऑलमोस्ट रेडी है। इस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ़ कर दें क्योंकि ठंडी होने के बाद भी खीर और थिक हो जाती है। एंड पे मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए बादाम, पिस्ता और थोड़े से काजू मैंने क्रश कर लिए थे, वो डाल रही हूँ। अब इसको डिश आउट कर देंगे हम, ठंडा करने के बाद सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।